सभी छात्राओं को नमस्कार। आपकी क्लास चल रही थी भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में हमने आपको काफ़ी लेसन अब तक करवा चुके हैं। वैसे अभी हमें कोर्स का स्वयं को पता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी आपके कोर्स का दिया ही नहीं है कि कितना कोर्स अभी आपका शेष रहेगा, कितना आएगा, कौन से लेसन रहेंगे या कौन से लेसन नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी ये जो लेसन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आप भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल के लिए ये लेसन ऐसे है कि आप कभी भी एमए भी करते हो, नेट करते हो, जेआरएफ करते हो, पीएचडी करते हो, या कुछ भी और भी कुछ करते हो, तो उन सब में ये मोस्टली ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आज आपका जो लेसन है वो रहेगा आपका महाद्वीप एवं महासागर के नितल की उत्पत्ति। यानी हमने देखा था कि संपूर्ण पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा है, संपूर्ण पृथ्वी किस प्रकार से उत्पन्न हुई थी, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जॉर्ज लेवेंथर महोदय ने वो दिया था, जिसमें बताया था कि एक सुपरनोवा होता है, उसमें कुछ विस्फोट होते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सूर्य से 9 ग्रह अलग हुए, उनमें से एक पृथ्वी था। उसमें से हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, जिसमें अभिनव मत के अनुसार हमने उसको 3 भागों में विभक्त किया था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और स्वेस के अनुसार हमने उसे 3 भागों में किया था, सियाल, सीमा और नीफे। और हमने उसके अनुसार बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, उसकी गहराई कितनी हो सकती है, कौन कौन सी मोहरों के क्या संबंध तब वहाँ पर आती है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी चट्टानें यहाँ पर हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही एक क्वेश्चन साथ में आता है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जब हमने पढ़ा था तो उससे पहले एक लेसन और एक चैप्टर आपका रहता है, वो आता है महाद्वीप और महासागर कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने पढ़ ली। अब बातें करते हैं कि महाद्वीप और महासागर किस प्रकार से उत्पन्न हुए, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। जिसमें यदि महाद्वीप और महासागर, पहली बात तो होती है, एक शब्द आता है आपका उच्चावच, उच्चावच पृथ्वी के ऊंचे नीचे भाग, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊंचे नीचे भागों को हम उच्चावच कहते हैं। काफ़ी जगह आप देखते हैं पर्वत रहते हैं, काफ़ी जगह हम देखते हैं पर्वत पठार रहते हैं, मैदानी भाग रहते हैं, झील रहती है, महासागर रहते हैं, तो ऊंचे नीचे भाग। लेकिन फिर भी हमने एक संकल्पना पढ़ी थी, संतुलन की संकल्पना, बहुत ज़्यादा ऊँचे पठार पर्वत भी है तो बहुत गहरे महासागर भी है, लेकिन फिर भी हमारा पूरी पृथ्वी क्या है, एक संतुलन में बनी हुई है। तो इनकी उत्पत्ति, तो उच्चावचों की बातें हम करें तो उच्चावच यहाँ पर 3 प्रकार के माने जाते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी में हमारा आता है महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप एवं महासागर आते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। यानी काफ़ी बार एग्जाम में आपके सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे कहा जाता है, तो हम कह देंगे महाद्वीप और महासागरों को हम क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहेंगे। दूसरे आते हैं आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इन्हें अंतर्जात बलों के द्वारा हम समझेंगे। अंतर्जात बल, अंतर्जात बल क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगते हैं और जिनके द्वारा किसी चीज की उत्पत्ति होती है, वो सब क्या कहेंगे, हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहेंगे, जिनमें हमारा आता है पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आती है। प्रथम श्रेणी उच्चावच महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं,
द्वितीय श्रेणी, इनके पृथ्वी के आंतरिक भागों में आपके जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये भी आपके सब किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीय श्रेणी उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिन्हें बोलते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल कौन से होते हैं? जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर लगते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर लगने वाले बलों को हम क्या कहेंगे? बहिर्जात फोर्स कहेंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। और ये फोर्स जो होते हैं, ये फोर्स जब लगते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही ये परिवर्तन लाते हैं। जैसे नदी के द्वारा, बहती हुई नदी के द्वारा, यदि या पवन के द्वारा यदि कोई अंतर्जात बल लग रहा है, हिम के द्वारा लग रहा है या किसी और के द्वारा लग रहा है, मरुस्थल है, नदी है, पवन है, हिम है, इनके द्वारा, सागर है, इनके द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कोई बल लग रहा है और वो बल आपके किसी ऊपरी भाग में परिवर्तन ला रहा है, तो वो सभी चीज़ किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी बहिर्जात बल के अंतर्गत वो मानी जाएंगी। तीन चीज़ों को आप अच्छे से समझ चुके हो। उच्चावच, पृथ्वी के ऊंचे नीचे भागों को हम उच्चावच कहते हैं। ये उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों को हम महाद्वीप और महासागर के भागों में बांटते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार और मैदानों के रूप में मानते हैं। साथ ही पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगने वाले जितने भी बल है वो सभी आपके द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वो बल आते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी भागों में लगाए जाते हैं, चाहे वो नदी के द्वारा लगाए जाए हो, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा, सागर के द्वारा या किसी और बल यदि पृथ्वी के ऊपरी भाग में लगकर और उसके रूप को ही परिवर्तित कर दे, तो वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? बहिर्जात बल के अंतर्गत आते हैं। और ये बहिर्जात बल आपका थर्ड श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। यहाँ तक ये बात आपके समझ में आई? आगे हम बातें करते हैं कि यदि पृथ्वी की संरचना हम देखें, पृथ्वी की संरचना देखें, यह आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऊपर आपके 90 डिग्री अक्षांश है और नीचे 90 डिग्री अक्षांश है। इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, मतलब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। यदि हम उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की यदि हम बातें करें, तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में बिल्कुल ही एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी की एक संरचना देखें, तो यहाँ पर आपका एशिया देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत भाग यहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो यदि आप देखें तो सातों महाद्वीपों की स्थिति यदि हम यहाँ पर देखेंगे, तो अधिकांश भाग आपका किस में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध पर। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल मंडल स्थित है। सर्वाधिक स्थल मंडल स्थित कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध को हम सीधे तौर पर स्थल मंडल भी कह सकते हैं, स्थलीय गोलार्ध भी इसको बोला जाता है, स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध के रूप में हम उत्तरी भाग को मान सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी स्थल मंडल है उसका 75% भाग आपका कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन और यदि दूसरी बातें करें दक्षिणी गोलार्ध की, और दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम बातें करेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपके जल की अधिकता बहुत अधिक है, जल बहुत है, और लगभग 83% जल आपका कहां पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी अधिकांश जल कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसे जलीय गोलार्ध भी हम कह सकते हैं, जलीय गोलार्ध।
जलीय गोलार्ध के नाम से हम यहाँ से जान सकते हैं। किसे? दक्षिणी गोलार्ध को। तो यहाँ पर दो बातें आपके क्लियर हुई कि संपूर्ण पृथ्वी की यदि हम बातें करें और उसको मध्य के भाग को हम भूमध्य रेखा से काटे और ऊपरी भाग को हम नॉर्थ पोल और नीचे के भाग को साउथ पोल के नाम से जानते हैं, लेकिन जब नॉर्थ पोल की हम बातें करें, उत्तरी गोलार्ध की हम बातें करें, तो वो भाग आपका अधिकांश रूप से, यानी उस भाग में अधिकांश रूप से स्थल मंडल की अधिकता होने की वजह से उसे स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जा सकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने की वजह से इसे जलीय गोलार्ध के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे। साथ ही अब हम चलते हैं, जैसे हमने, क्योंकि हमें महाद्वीप और महासागर पढ़ने हैं, तो महाद्वीप और महासागरों की स्थिति यदि हम देखते हैं, तो महाद्वीप या महासागर लगभग आपके त्रिभुजाकार आकृति में बसे हुए हैं। जैसे इस प्रकार की आकृति आपको अधिकांश महाद्वीपों की देखने को मिलती है, तो इससे हम पता लगता है कि महाद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार आकृति में फैले हुए हैं। अधिकांश महाद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार आकृति में, लेकिन त्रिभुजाकार में इसका जो आधार है, ये आधार है, ये शीर्ष है, जो आधार भाग है आपका वो आपका उत्तर की ओर है, और जबकि शीर्ष भाग आपका किधर की ओर है? दक्षिण की ओर है। आधार भाग आपका उत्तर की ओर है जबकि शीर्ष भाग आपका दक्षिण की ओर है। तो ये आपके दो भाग यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और बातें करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो महासागरीय भाग वो भी आपके लगभग त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुजाकार आकृति में, लेकिन इनका जो महाद्वीप का आधार भाग था वो उत्तर की ओर था और शीर्ष भाग आपका दक्षिण की ओर था, लेकिन जो महासागरीय भाग होगा उसका आधार दक्षिण की ओर होगा, जबकि शीर्ष भाग आपका उत्तर की ओर होगा। तो ये महाद्वीपों की स्थिति और महासागरों की स्थिति के बारे में, महाद्वीप और महासागर दो भाग हमने लिए हैं। महाद्वीपों की स्थिति हम देखें तो त्रिभुजाकार आकृति में फैले हुए हैं और इनका जो चौड़ा भाग होगा, जैसे आधार भाग कहते हैं, वो उत्तर की ओर होता है, जबकि जो नुकीला भाग या शीर्ष भाग होता है वो आपका दक्षिण की ओर होता है। ये तो है महाद्वीपों की स्थिति। दूसरी बातें कर रहे हैं महासागरों की स्थिति, इसके बिल्कुल विपरीत चलता है। महासागरीय भाग इसके विपरीत है, तो इसका जो आधार भाग है, इसका जो आधार भाग है महासागरों का, वो आपका किधर रहेगा? दक्षिण की ओर रहेगा, और शीर्ष भाग यानी नुकीला भाग या कम भाग आपका किधर की ओर होगा? पश्चिम यानी उत्तर की ओर होगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसके अनुसार हम आगे आपके लेसन की ओर चलते हैं। तो इस लेसन में यदि हम बातें करें, तो कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने, कुछ जलवायुवेत्ताओं ने अपने अपने मत दिए थे और उस मत के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया था कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में धार्मिक संकल्पना से लेकर आज तक वैज्ञानिक संकल्पनाएं चली और उनमें कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिनमें पहला था हमारा लॉर्ड केल्विन का मत, लॉर्ड केल्विन का मत था। दूसरे नंबर पर हमारे आए थे लबबर्थ एवं लव का मत। तीसरे नंबर पर थे चतुष्फलकीय सिद्धांत
और ये चतुष्फलकीय सिद्धांत दिया था आपका लोथियन ग्रीन ने, लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था चतुष्फलकीय सिद्धांत। और चौथे नंबर पे थे हमारे टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पहले थे लॉर्ड केल्विन का मत, दूसरा था लंबर्त एवं लव का मत, तीसरा था चतुष्फलकीय सिद्धांत जो आपका लिथियन ग्रोन के द्वारा दिया गया था, चौथा था टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और पांचवा था आपका वैगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। इनमें ये मत आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा था, वैगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत, और इसके साथ ही और भी मत थे, उनके बारे में आपको कल बताया जाएगा। जय हिंद।